इसी मुद्दे पर आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। जावेद अंसारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद, कुल मिलाकर क्या समझे, क्या कहने की कोशिश है और आतंकवाद जैसे मुद्दे का या फिर शब्द का इस्तेमाल इस पूरे बयान में नवाज शरीफ की तरफ से नहीं, और साथ ही 99 के लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर अब रिश्ते आगे बढ़ेंगे, क्या क्या कहा है? देखिए अंजना, जो उन्होंने औपचारिक रूप से कहा वो आपके सामने है। मैं नवाज शरीफ साहब से मिला 2 मिनट के लिए, मैं उनके साथ लिफ्ट से वो 9th फ्लोर से नीचे आया। मैंने उनसे 2 लफ्जों में मैंने पूछा, प्रधानमंत्री महोदय आपकी कैसी रही बातचीत? उनका उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण दिया है जो स्वीकार कर लिया है उन्होंने, और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि ईद बाद, ईद 28 जुलाई को है, उनका ये मानना था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि ईद बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं। उनका ये भी कहना था कि बहुत हमारी 15 मिनट की आशा है कि 1-to-1 मीटिंग हुई, बहुत ही खुशगवार मीटिंग थी, बहुत अच्छी मीटिंग थी, सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और एक हम दोनों में एक कॉन्फिडेंस लेवल बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ और हमें कामयाबी हासिल होगी। यानी कुल मिलाकर जावेद, जो रैपो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी एक पहचान अब उनकी बन गई है नरेंद्र मोदी, उस पहचान को लेकर वो बहुत सार्थक नजर आया, आपकी बातों से यही लग रहा है? मुझे जो ये 2-3 मिनट के इंटरेक्शन में जो इंप्रेशन था वो यही था कि वो बहुत खुश नजर आए, बहुत कॉन्फिडेंट थे। और मैं सरताज अजीज से भी मैंने पूछा, सरताज अजीज का मानना है कि फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, हो सकता है अगले महीने ही शुरू हो जाए। अब यही से उनका कहना था कि दोनों मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये डेट तय करेंगे और जल्द से जल्द मीटिंग शुरू हो गई, और वो भी बहुत ऑप्टोमिस्टिक थे। उनका ये मानना था कि ये दोनों सरकार एक दूसरे की बहुत काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं और काम करेंगी। बिल्कुल, आतंकवाद ये शब्द जो हमेशा एक परेशानी बनकर दोनों देशों के रिश्तों में रहा है, उसका जिक्र नहीं हुआ जावेद आज शरीफ की तरफ से बातचीत में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सवाल उठाया कि भाई दहशतगर्दी और दोस्ती साथ साथ नहीं हो सकती, आप 5 दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लीजिए, दहशतगर्दी हमारे खिलाफ जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की भूमि से वो बंद होनी चाहिए, इस पर जरूर उनकी बात हुई। लास्ट जाहिर है मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा सारे मुद्दों पे बातचीत हुई और हम सब पे कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आतंकवाद का जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन इस बयान में जो नवाज शरीफ ने मीडिया के सामने दिया उसमें नहीं कहा। जाहिर है उन्हें भी पाकिस्तान लौटना है और वहां पर क्या बातें होती हैं, जो कुछ यहां पर कहकर जाएंगे उसकी बकिया एक एक शब्द की वहां पर उधेड़ी जाएगी, शायद इसीलिए उस शब्द से परहेज किया। जावेद अंसारी हमारे सहयोगी बने हुए थे हमारे साथ, लेकिन आइए आपको एक बार जरा सुनाते हैं, पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जब आज मीडिया के सामने बातें की और बताया आगे के रोड मैप के बारे में या फिर आपसी बातचीत के बारे में, क्या कहा? And I want to say that I am very pleased to be in New Delhi at the invitation of Prime Minister Modi. Yesterday I attended his oath-taking ceremony. He invited me and I felt great pleasure in responding positively, and I also feel privileged to be here. तो आपसी रिश्तों पर तो बात हुई ही, इस बीच जावेद अंसारी हमारे सहयोगी मौजूद थे नवाज शरीफ के साथ और नवाज शरीफ से ऑफ द रिकॉर्ड, कम से कम कैमरे से पीछे जो बात हुई है उसके बारे में जावेद अंसारी बता रहे हैं कि बहुत सार्थक तरीके से पाक प्रधानमंत्री ले रहे हैं इस मुलाकात को और जो पहचान उनकी बनी है नरेंद्र मोदी के साथ। जावेद, ईद बाद उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं उन्होंने जाहिर की क्योंकि उन्होंने इन्वाइट किया है, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, वो ईद बाद जा सकते हैं या नहीं ये तो बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी क्योंकि 28 जून से रमजान शुरू हो रहा है, रमजान 27 जुलाई को खत्म होगा, 28 को ईद है, तो उन्होंने कहा भाई जल्द से जल्द आए, अगर ईद बाद आ सकें तो इससे खुशगवार क्या होगा। लेकिन उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो बहुत खुश नजर आए, और बार बार तमाम होटल स्टाफ को, होटल के जनरल मैनेजर उनके साथ था उसको बहुत बार, उनका आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू बी हियर, एंड वो पंजाबी में उनसे बात कर रहे थे। फिर जितना उनको स्टाफ छोड़ने आया था बाहर, उनसे उन्होंने बात की, एक एक से हाथ मिलाया, वो जो गेट कीपर्स होते हैं ही वेव्ड एंड शुक हैंड, उनसे सबसे हाथ मिलाया, और हमसे जब वहाँ बात कर रहे थे कहते मैं यहाँ बहुत खुश था और मुझे लगता है कि ये बात इससे आगे बढ़ सकती है, आसान नहीं है लेकिन मुश्किलें तय करना लीडरशिप का टेस्ट होता है और इंशाल्लाह ये होगा, ये उनके अल्फाज थे।
जी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी बातों से जावेद ऐसा लग रहा है कि कैमरे के पीछे जब वो थे और आपसे बातचीत कर रहे थे तो बहुत ही सार्थक तरीके से पूरे मुद्दे को, हालांकि जब वो सामने भी आए उन्होंने कहा कि शांति बहाली और सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं, झगड़े भुलाने होंगे और दिल्ली आकर बहुत खुश हूं यहां पर भी कहा और जावेद आपसे भी कहा, ये हिंदुस्तान का दौरा। और जिस तरह से उनकी बेटी भी ट्वीट करती रही है कि उनके पिता बहुत खुश थे, मैंने ही टाई सेलेक्ट किया उनके लिए, अगर निजी तौर पर भी देखें तो नवाज शरीफ बेहद खुश नजर आ रहे हैं अपने इस हिंदुस्तान दौरे से। देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि एक एक वो रिस्क लेके आए वहाँ, एक हाफिज सईद को जो एक वीटो होता था हर हिंद या पाकिस्तान की दोस्ती की पेशकश को, वो वीटो कर देते थे कोई ना कोई हरकत अंजाम देखे, चाहे अपने लोगों से हेरात टाइप का है कि एक्टिविटी करा दो या मुंबई कराए। इस बार उनके उन्होंने चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था नवाज शरीफ को कि हिंदुस्तान मत जाइए, लेकिन नवाज शरीफ आए। यहाँ नरेंद्र मोदी ने कुछ अपने एलाइज की बातों को नजरअंदाज करते हुए, शिवसेना ने कहा क्रिकेट के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने उनको यहाँ इनवाइट कर लिया। तो जाहिर तौर है दोनों लीडर्स ने एक थोड़ी सी इच्छा देखिए लीडरशिप दिखाई, लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, लीड करने की कोशिश की है। और जो लोग जो ताल्लुकात बेहतर नहीं होने का जिनके पास वीटो होता था वो वीटो को नजरअंदाज किया है। बिल्कुल, और इसी के साथ लिफ्ट में आपसे ये भी कहा कि हमने उनको ख्वाहिश एक तरह से जाहिर की है कि नरेंद्र मोदी आए, ईद बाद वो आ सकते हैं, अगर वो आए तो अच्छा रहेगा। ये तमाम बातें भी हुई हैं जावेद अंसारी हमारे सहयोगी की नवाज शरीफ के साथ, और इसके साथ ही निजी तौर पर उन्हें लगा कि इनके साथ काम करना ये बहुत महत्वपूर्ण है जावेद, क्योंकि ये एक बार फिर से मकाम, हालांकि चाहे वो इससे पहले बस डिप्लोमेसी हो, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, हमेशा पाकिस्तान ने धोखा दिया। और जिस तरह से भी इसे देख लीजिए, शरीफ उस वक्त भी थे, लेकिन आज जिस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ रही है, उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं टिकाए बगैर भी अगर देखें, अगर आपसी समझदारी इन दो नेताओं के बीच में बनती है, दोनों ही एक जबरदस्त मैंडेट के साथ आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है दोनों देशों के रिश्तों में। जावेद ये बन सकता है, और इस बात का उल्लेख नवाज शरीफ साहब ने अपने बयान में भी किया। और जाहिर सी बात है अब देखिए कोई भी ये नहीं मानेगा कि दो 20 मिनट की भी बातचीत में या एक घंटे की बातचीत में 60 साल के जो मसले मसाइल थे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा विश्वास एक दूसरे में पैदा हुआ, एक दूसरे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, और हो सकता है ये भविष्य के लिए शुभ संकेत है।